नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजनाओं पर चर्चा की, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों ने कोविड काल में शानदार काम किया है, बाढ़ आपदा और अन्य परिस्थितियों में भी कुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। बीते चार सालों की अगर बात करें तो सरकार ने कई ऐसी उपलब्धियाँ हासिल की, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने आपको बताया कि अधिकारियों के साथ साझा किया। इसके अलावा आपको बता दें कि योजनाओं की जानकारी दी, विकास कार्यों के बारे में भी बातचीत की है। स्वच्छता में भी हम नंबर एक, स्मार्ट सिटी में भी हम नंबर एक, मतलब देश का सिरमौर है। फिर अंगूर जैसे कार्यक्रम, वृक्षारोपण, ऊर्जा साक्षरता अभियान, हम एक के बाद एक कई नीतियां बनाते हुए चले गए। उसके साथ रेवेन्यू कलेक्शन आते हैं, मैं बहुत बधाई दे रहा हूं कि हम सब कैसे कर पाए। एक ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आचार संहिता के नाम पर लोगों के काम अनादर से मुझसे लंबित ना हो। हम लोग जानते हैं कि जो टीम के काम है ऑन गोइंग चीजें हैं, वो कभी नहीं घोषणाएं नहीं हो सकती, सर्वे करके उनको राहत राशि के वितरण का काम हो, बिजली के काम हो, हमारे खाद समय पर पहुंचाने का काम हो। बड़ी चुनौती आएगी रबी की खरीफ की बोनी होनी है, ऐसे कई अत्यंत महत्वपूर्ण काम है जो इस समय निरंतर जारी रहेंगे और जितनी योजनाएं चालू है उन योजनाओं का लाभ देने का।